अभिनेता रजनीकांत का स्टारडम किसी से छुपा नहीं है, उनके यूनिक स्टाइल की पूरी दुनिया दीवानी है। रजनीकांत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तमिल फिल्मों से बतौर खलनायक की भूमिका निभाने से की थी, लेकिन धीरे धीरे वो एक हीरो अभिनेता के तौर पर उभरे। आज रजनीकांत का 68वां जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ दिलचस्प बातें। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 बंगलोर में हुआ था। रजनीकांत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत हीरो से नहीं बल्कि खलनायक बनकर की थी और उन्होंने पहली हीरो के तौर पर काम साल 1975 में आई फिल्म छिलाकामा चेनीपट्टी एक तेलुगु फिल्म से की थी और इसी फिल्म के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते देखते रजनीकांत तमिल सिनेमा पर छा गए और वो तमिल के सबसे बड़े सुपरस्टार भी बन गए। तमिल फिल्मों के अलावा रजनीकांत ने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, जैसे की मेरी अदालत, जान जानी जनार्दन, भगवान दादा, दोस्ती दुश्मनी, इंसाफ कौन करेगा, असली नकली, हम, खून का कर्ज जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत हिंदी, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और अंग्रेजी फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मराठी फिल्मों में काम नहीं किया, जबकि रजनीकांत मूल रूप मराठी हैं। साल 2014 में रजनीकांत को 6 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड मिले, इनमें से 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और 2 स्पेशल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के लिए मिले। इसी के साथ ही साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। अब अगर बात करें रजनीकांत के स्टाइल की, सिगरेट फ्लिप करने की स्टाइल आज भी दशकों से लोग फॉलो करते आ रहे हैं। फिल्मों में उनके जबरदस्त एक्शन के लोग आज भी दीवाने हैं और अभी हाल ही में रजनीकांत की फिल्म 2.0 रिलीज हुई, जिसमें उनके एक्टिंग की लोगों ने जमकर तारीफ की। तो दोस्तों, ये थी रजनीकांत के जन्मदिन के मौके पर उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। अगर आप भी उन्हें जन्मदिन के मौके पर बधाई देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए आप उन्हें जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं।